दोस्तों टाइफाइड को म्यादी बुखार भी कहते हैं। ये बुखार एक खास तरह के जरासीम से होता है, यानी कि जिस्म में दाखिल होने से होता है। ये बुखार हर उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चे दोस्तों इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। टाइफाइड का जरासीम इंसान के साथ साथ दोस्तों जानवरों को भी बुरी तरह मुतासर कर सकता है। ये आलूदा माहौल में बहुत ज़्यादा हमलावर होता है। ये जरासीम खाने पीने की अशिया के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं। इसके जरासीम मरीज के पेशाब पखाना में भी होते हैं। दोस्तों अब हम कुछ इसकी खास अलामत आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपने गौर से सुननी है। नंबर वन, जिस्म में जरासीम दाखिल होने के 7 से 21 दिन के अंदर अंदर बुखार की अलामत जाहिर होने लगती हैं। नंबर टू, टाइफाइड के शुरू में अलामत इतनी वाजिया नहीं होती, तबीयत सुस्त रहती है। नंबर थ्री, मामूली बुखार से दोस्तों इसका आगाज होता है, ये कई रोज तक जारी रहता है, हर वक्त एक जैसा बुखार रहता है। नेक्स्ट, मरीज के सर में दर्द रहता है, भूख कम लगती है और दोस्तों खांसी भी आ सकती है। इसके मरीज को कब्ज हो जाती है और बाज़ दफ़ा इसहाल भी आते हैं। जरासीम आंतों में जाकर वहाँ ज़ख़म पैदा करते हैं और खून में फैल जाते हैं। बुखार का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और 104 से 106 66 दर्जा फारेनहाइट तक दोस्तों ये पहुँच जाता है। प्यास ज़्यादा लगती है, गनूदगी भी छाई रहती है, बाज़ औक़ात टाइफॉइड के साथ साथ सिरसाम भी हो जाता है। ज़ुबान पर सफ़ेद मैल की तय जम जाती है, ज़ुबान के किनारे साफ और सुर्ख होते हैं। इसकी अलामत वक्त के साथ साथ दोस्तों शिद्दत पकड़ दी जाती हैं और कमज़ोरी आती जाती है। मरीज़ की हालत में बहुत ज़्यादा शिद्दत पैदा हो सकती है और हालत बद से दोस्तों बदतर भी हो सकती है, जिससे मरीज़ मर भी सकता है। दोस्तों इसकी कुछ एहतियाती तदबीर मैं आपको समझाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता होना लाजमी है। सबसे पहले इससे बचने के लिए आपको साफ और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। खाने को दोस्तों अच्छी तरह ढांप कर रखें और मक्खियों से खास कर बचाएं। इसके जो मरीज़ होता है ना, उसके फजलात को तो जला दें या उस पर जरासीम कश दवा डालें। इसके मरीज़ को सादा और नरम गज़ा दें ताकि आंतें इसकी महफूज रहें। और ख़ास बात दोस्तों, इसके मरीज़ को कब्ज़ ना होने दें ताकि पेचीदगी ना हो। और दोस्तों टाइफाइड से पहले कि हमला आवर हो, इलाज पर आप तवज्जो दें ताकि पेचीदगी या माजूरी ना आए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।